क्या आप जानते हैं कि लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता है, जबकि लोहे की एक कील डूब जाती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है, तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है, और हटाए गए पानी की ताकत उसे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है, तब उसके द्वारा हटाई गई पानी के ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े की फ्लेट बना दी जाती तो उसका आकार बड़ा हो जाता और वह पानी के नीचे से आने वाली ताकत का फायदा उठा पाती। लोहे के जहाज का आयतन उसके भार से अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करता है। यह विस्थापित जल अपने आयतन के तुल्य बल जहाज पर लगाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरता है, जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है। उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाता है।